नेक्स्ट टॉपिक इज लिम्फ। लिम्फ क्या चीज़ है? जैसे आपने ब्लड पढ़ लिया, भाई ब्लड क्या करता है, फूड को कैरी करता है। जैसे हमने बात की थी कि भाई फूड में तो कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं और फैट भी है। जो ये फैट है ये ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, तो ये कहाँ एब्जॉर्ब होगा? ये एब्जॉर्ब होगा लिम्फ के अंदर। फिर हम बात करेंगे लिम्फ बना कैसे। जैसे कोई भी ब्लड कैपिलरी, चाहे आर्टरी है चाहे वो वेन है, उसके अंदर ब्लड है। और मैंने बात की थी कि ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है 50% से भी ज़्यादा, 55%। और इस ब्लड में क्या होता है, वाटर होता है, और वाटर के अंदर क्या है, प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स। तो कई बार दबाव पड़ने से, कैपिलरी पे दबाव पड़ने से ये जो प्लाज्मा है ये यहाँ से क्या हो जाती है, लीक हो जाती है। तो प्लाज्मा लीक होकर के टिश्यू के पार्ट में आ जाती है, ठीक है? तो वो टिश्यू में जो एक्स्ट्रा सेलुलर, टिश्यू के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू फ्लूड बनता है उसको क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। और लिम्फ का काम क्या है, फैट को ट्रांसपोर्ट करने का। तो ये था हमारा लिम्फ का पार्ट, नोट कर लीजिए इसे। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन एनिमल जो है वो एंड हुआ। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट। प्लांट में बड़ा इजी है, प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम की हेल्प से, फ्लोएम की हेल्प से। 9th में हमने टिश्यू में पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम, इसके पार्ट पढ़े थे कि जाइलम जो है एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, फ्लोएम एक जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसके अंदर फोर टाइप्स की सेल मिलती है, इसके अंदर भी फोर टाइप्स की सेल्स मिलती है, जैसे जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। यहाँ पे जैसे आपने कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स पढ़ी थी, उनके बारे में यहाँ जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि 9th में आप पढ़ चुके हो। यहाँ में बस एक बताना आपको, जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। अब जैसे हमने प्लांट में पढ़ा था कि ना, एनिमल में पढ़ा था कि, एनिमल में पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनिमल्स के अंदर हार्ट होता है। तो यहाँ पे भी कुछ न कुछ ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा। जैसे जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, वो बेस्ड है ट्रांस ट्रांसपीरेशन पुल मॉडल पे। किस पे बेस्ड है? ट्रांसपीरेशन पुल मॉडल। जैसे एक प्लांट बनाते हैं, ये प्लांट्स में लीव्स हैं, हमने पढ़ा था ट्रांसपीरेशन, जो लीफ के अंदर स्टोमेटा होता है वहां से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, CO2 इन होती है और O2 बाहर होता है। और दूसरी चीज जो H2O है, मैंने बताया था कि 99% H2O जो है, जो हम फोटोसिंथेसिस के लिए रूट से यूज किया था, रूट से जो हमने H2O लिया था, वो 99% क्या होता है, ट्रांसपीरेशन से चला जाता है। तो अब यहाँ से जो H2O जा रहा है तो वो एक पुल क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जो H2O निकला है तो यहाँ पे एक सक्शन प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण जो है रूट जो है सोयल से वाटर को एब्जॉर्ब करके ऊपर तक पहुंचा रही है। तो जाइलम का ट्रांसपोर्ट किस पे डिपेंड है? ट्रांसपीरेशन पुल पे डिपेंड है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जाइलम ट्रांसपोर्ट डिपेंड ऑन ट्रांसपीरेशन पुल, कि ट्रांसपीरेशन जो है ऐसी फोर्स क्रिएट करता है कि जिससे वाटर और मिनरल्स का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। मिनरल्स जो है इनके एब्जॉर्प्शन के लिए ATP का यूज होता है, इनका एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। कैसे होता है? इनका एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन दी प्लांट, इसे नोट कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपीरेशन के बाद रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन क्या होता है,
ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन दी टिश्यू सेल्स या सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की हेल्प भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे हम बात करेंगे तो रेस्पिरेशन दो टाइप्स का होगा, एक एरोबिक रहेगा और एक एनारोबिक रहेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी और एनारोबिक में हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप रेस्पिरेशन को पढ़ सकते हो कि जो सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन होता है फूड का, उसको क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन की दो टाइप होंगे यहाँ पे, एक रेस्पिरेशन एरोबिक रहेगा और एक रेस्पिरेशन एनाएरोबिक रहेगा। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें कि जैसे मेरी सेल्स में ये ग्लूकोज है और इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी, ठीक है, तो ये कंपाउंड बनता है इंटरमीडिएट, जिसको बोलते हैं पाइरूविक एसिड या पाइरूवेट। और ये पाइरूवेट जो है ऑक्सीजन की हेल्प से कन्वर्ट हो जाएगा CO2 के अंदर, H2O के अंदर और ATP। 36 ATP जो है एक मॉलिक्यूल से हमें मिलती है, ठीक है। अब देखेंगे ये प्रोसेस है क्या। जैसे ये सेल है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से ये एक ग्लूकोज जो है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर जो ये पाइरूविक एसिड है ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया पे। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो भी डबल मेम्ब्रेन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पे एक रिएक्शंस होती है जिसको बोलते हैं क्रैब साइकिल, ठीक है। और उस क्रैब साइकिल की मदद से यहाँ पे CO2 निकलेगा, यहाँ पे H2O निकलेगा और यहाँ पर बनेगी एनर्जी। आपने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया अपनी पावर कहाँ से लेके आएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया अपनी पावर लेके आएगा ग्लूकोज से। सेल्स में जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है वो आपकी पूछ लेते हैं कहाँ पे होती है, वो होती है साइटोप्लाज्म पे। कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये पाइरूवेट कहाँ बनेगा, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि हमारे सेल्स में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो इसको इस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसके टू मॉलिक्यूल्स बनते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है और ये 6 कार्बन कंपाउंड है, तो 2 × 3 = 6 ये पूरा हो जाएगा हमारा। फिर ये पाइरूवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया पे, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया पे ये रिएक्शंस होती है और एनर्जी बनती है। तो ये थी हमारी एरोबिक रिएक्शंस, क्या थी, एरोबिक रेस्पिरेशंस। फिर हम बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशंस। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, जैसे ये ग्लूकोज है ये विदाउट ऑक्सीजन के ब्रेक होगा पाइरूवेट के अंदर, और ये पाइरूवेट अगर मसल्स में है तो ये बनाता है लैक्टिक एसिड CO2 और 2 ATP मॉलिक्यूल्स। और ये अगर बैक्टीरिया की हेल्प से हो रहा है, जैसे इथेनॉल बनने की जो प्रोसेस है, तो यहाँ पे बनेगा इथेनॉल CO2 और 2 ATP। तो ये थी, बिना ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन होगा तो एनारोबिक फूड का, और ऑक्सीजन की हेल्प से होगा तो उसको बोलेंगे हम एनाएरोबिक। अब देखो जो ग्लाइकोलिसिस है वो प्रोसेस दोनों में कॉमन है। ग्लाइकोलिसिस जो है साइटोप्लाज्म में होती है, कि पाइरूवेट दोनों में बनेगा, लेकिन पाइरूवेट बनने के बाद की जो प्रोसेस है कि ये पाइरूवेट जो है जब माइटोकॉन्ड्रिया पे जाएगा और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो है CO2, H2O और 36 ATP मॉलिक्यूल्स बनाएगा। लेकिन एनारोबिक रिएक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया पे नहीं होती, वो साइटोप्लाज्म पे होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारे पास रेस्पिरेशन, एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशंस। अब हम ब्रीदिंग के बारे में बात करेंगे कि भाई
ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या, देखो रेस्पिरेशन तो हमारी सेल्स में हो रही है कि भी ऑक्सीजन ऐड हो गए, ये हो रहा है एटीपी बनने। ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग का जस्ट मतलब है कि हमारे लंग्स से ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होने को बोलते हैं ब्रीदिंग। तो हम एक बात देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको करेंगे एक डायग्राम बना लेते हैं रफ। ये माउथ से एयर जाएगी, नोज से एयर जाएगी, तो एक यहां पे कॉमन पैसेज बनता है बोथ फूड एज वेल एज एयर के लिए, जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। तो फेरिंग्स से जो है विंड पाइप और यहां से ही जो है फूड पाइप, ईसोफेगस जिसको बोलेंगे, वो अलग होता है। ठीक है, तो विंड पाइप को हम बोलते हैं ट्रैकिया, विंड पाइप को हम बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया पे जो ये बनाए मैंने, इन्हें बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्वेश्चन आता है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या काम होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक पाइप है, ठीक है, और वो पाइप मस्कुलर है, यहाँ पे एयर जाएगी तो ये फूल जाएगी, जब एयर नहीं होगी तो ये श्रिंक हो जाएगी, तो ये इसको श्रिंक होने से बचाने का काम करती है। कौन करेगी? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो ट्रैकिया क्या होती है? विंड पाइप्स होती है। ठीक है, तो जब ये फेरिंग्स खुलता है फूड पाइप के अंदर और विंड पाइप के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे जो विंड पाइप है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग का काम एक टिश्यू करता है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, जब हम कोई खाना खा रहे हैं तो उस टाइम पे एपिग्लोटिस जो है ट्रैकिया को क्लोज कर दे, क्योंकि कोई भी फूड पार्टिकल जो है वो ट्रैकिया में जा सकता है। तो एपिग्लोटिस क्या करेगा? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ट्रैकिया का काम करेगा जब हम खाना खाते हैं, ड्यूरिंग स्वॉलविंग ऑफ द फूड। फिर यहाँ पे एक चीज बोलते हैं एडम एप्पल, एडम एप्पल, इसे बोलते लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स को हम वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये वॉइस बनाता है। क्या बनाता है? वॉइस। ठीक है, इस वोकल कॉर्ड में कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, ठीक है, जो वॉइस बनाने का काम करेगा। फिर जो ट्रैकिया है वो दो फाइन ब्रांच के अंदर डिवाइड हो जाती है जिन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकी। ठीक है, लंग्स में जाने के बाद डिवाइड हो जाता है, ये लंग्स बना लेते हैं हम। ब्रोंकी जो है लंग्स में जाने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकी। फिर ये ब्रोंकी जो है नंबर ऑफ फाइन ब्रांच के अंदर डिवाइड हो जाती है लंग्स के अंदर इस तरह से, बहुत सारी ब्रांच बन जाएंगी, तो इन ब्रांच को बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। ठीक है, इन ब्रोंकियोल्स के लास्ट में इस तरह से कुछ सैक होते हैं जिन्हें बोलते हैं अल्वियोलाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अल्वियोलाई। ठीक है, अब देखो हमने जो एयर ली, ऑक्सीजन लिया, क्योंकि देखो ऑक्सीजन और CO2 जो हमारे अंदर ट्रांसपोर्ट होती है ना, उसका एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन।
ठीक है। और डिफ्यूजन आपको पता है फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, कि भाई जैसे हम एटमोस्फियर में बात करें, सीओ टू और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करें, हमने पढ़ते आए कि ये 21% होती है और ये 0.03 से 0.04% होती है, तो कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है, तो एटमोस्फियर से ऑक्सीजन जो वो डिफ्यूज होगी हमारे लंग्स के अंदर। फिर देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे हम एल्वियोलाई का डायग्राम बनाते हैं, ये हमारे अंदर एल्वियोलाई है, इस एल्वियोलाई को एल्वियोलर सैक भी बोलते हैं। अब देखो यहां से क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन आई है, क्या ये ऑक्सीजन आई है, तो ये एल्वियोलाई ऑक्सीजन से फिल्ड हो गई। अब इन एल्वियोलाई के लास्ट में क्या लगी होती है, ब्लड कैपिलरी लगी होती है, इनके लास्ट में ब्लड कैपिलरी होती, तो ये ब्लड से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी, तो ब्लड बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या हो जाएगा, पंप हो जाएगा हार्ट के अंदर और हार्ट से टिश्यू के अंदर जाएगा, और फिर जो हमने पढ़ा रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलर सैक क्या करते हैं, ये गैसियस एक्सचेंज करने का काम करते हैं ब्लड के अंदर, गैसियस एक्सचेंज करने का काम करते हैं ब्लड के अंदर। अब मान लो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, ब्लड में CO2 है, तो ब्लड में जब CO2 है तो ये CO2 वापस यहाँ क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी, वो भी डिफ्यूजन से, क्योंकि अंदर जाने के बाद CO2 की कंसंट्रेशन जो पार्शियल प्रेशर एक बात होती है, पार्शियल प्रेशर जो है वो CO2 का हमारे शरीर के अंदर ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण अब CO2 जो है यहाँ से बाहर जाएगी। ठीक है भाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है, गोल है और सरफेस एरिया भी बढ़ा रही है ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये एल्वियोलाई होगी। ठीक है, जैसे हम हार्ट की बात करें, जैसे हम लंग्स की बात करें, इनकी कवरिंग मेम्ब्रेन जरूर होती है, इसकी कवरिंग मेम्ब्रेन को प्लूरल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, क्योंकि भाई जितने भी ऑर्गन हैं वो किसी न किसी टिश्यू से ढके हुए होते हैं, ठीक है, ताकि इनको कोई नुकसान ना हो, तो इन्हें प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे अपना हार्ट है, हार्ट एक फॉयल के अंदर होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम फॉयल, हार्ट एक फॉयल के अंदर होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम फॉयल, और ऐसे ही हमारा लंग्स भी एक कवरिंग के अंदर होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स। तो हमने सीखा कि किस प्रकार से ऑक्सीजन जाती है और लंग्स तक पहुंचती है, और लंग्स में एल्वियोलाई जो है वो ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करती हैं, मतलब उसका ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। फिर यहाँ पर एक इंटरकोस्टल मसल्स होती है जिसे हम डायाफ्राम बोलते हैं, ठीक है। ये डायाफ्राम जो है पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसके कारण हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ठीक है। इसके मूवमेंट के कारण जो है हमारे अंदर इनहेल और एक्सहेल होता है। तो ये था, इसमें क्वेश्चन जो आएंगे ट्रेचिया के बारे में पूछ सकते हैं, एल्वियोलाई के बारे में पूछ सकते हैं, बस लैरिंग्स के बारे में पूछ सकते हैं, फेरिंग्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोट कर लीजिए आप इसे। आज का जो है लास्ट टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6 के अंदर, जिसका नाम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। भाई जो प्लांट है उनके अंदर जो एक्सक्रीशन हो रहा है, मैंने बताया था कि 99% जो फोटोसिंथेसिस में जो वाटर यूज हुआ था वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर चला जाता है, ठीक है। तो वो प्लांट के अंदर क्या होगा, एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है। अब हम ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रीशन है, जैसे हम उसी डेफिनेशन को या उसी एक रिएक्शन को पढ़ते हैं कि भाई ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो हमने मिला था 6CO2H2O। जो H2O जो है वो क्या है, मेटाबॉलिक वाटर है, मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसका जो एक रिमूव होना है, और उस मेटाबॉलिक H2O के अंदर
जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो बात करेंगे कि एक्सक्रीशन है क्या। एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, या हम कह सकते हैं यूरिया की जो फॉर्म में जो हम वेस्ट को रिलीज करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सक्रीशंस। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो हमारे अंदर ओस्मोटिक बैलेंस का काम करता है, या एक वर्ड बोलते हैं हीमोस्टेसिस, कि भाई सभी का सभी को बैलेंस करता है। जो हमारे अंदर इलेक्ट्रोलाइट है जितने भी आयन है उनका बैलेंसिंग का काम करता है। क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड एक फ्लूड है और हर एक फ्लूड की क्या होती है, एक ओस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है, और उस ओस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम है हमारे अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो हम बात करेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस चीज़ का बना है। तो उसमें एक डायग्राम देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, पेयर ऑफ किडनी होती है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है पेयर ऑफ किडनी, डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर एक पेयर ऑफ किडनी जो हमारी बैक साइड होएगी। देखो जब हम कोई भी एक पोर्टल सिस्टम पढ़ते हैं, जैसे हार्ट की बात कर रहे हैं तो हम वहां पे कुछ पढ़ रहे थे पल्मोनरी सिस्टमिक, मतलब पल्मोनरी आ गया तो हार्ट से रिलेटेड चीज है। यहां पे हमने पढ़ना है, एक को तो नाम देना है रीनल आर्टरी और एक को नाम देना है रीनल वेन। तो जो रीनल वर्ड आया ना, ये हमें सर्व दिखा रहा है कि ये चीज, ये आर्टरी और ये वेन किससे रिलेटेड है, ये किडनी से रिलेटेड है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये मेरे पास एक रीनल आर्टरी होगी और ये मेरे पास रीनल वेन हो गया। कि भाई मान लेते हैं रीनल आर्टरी है, इसके अंदर देखो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है कि इसके अंदर ऑक्सीजन है और इसके अंदर CO2 है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि ब्लड जो है प्योर है या इम्प्योर है, ठीक है। इम्प्योर का मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन है भाई, यूरिया है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा प्योर ब्लड की, अब ये यूरिया फ्री है, ठीक है। तो भाई जो इम्प्योर ब्लड होता है वो रीनल आर्टरी से होता हुआ यहाँ किडनी में आता है, ठीक है। तो किडनी के एक पार्ट में आता है जिस पार्ट का नाम है रीनल कैलिक्स। क्या नाम है, रीनल कैलिक्स, पार्ट है जिसका नाम है रीनल कैलिक्स। उसके अंदर रीनल आर्टरी से यहाँ भी जाएगा, इस साइड भी, दोनों साइड जाएगा। फिर ये जो रीनल आर्टरी थी भाई, ये मान लीजिए एक रीनल आर्टरी थी, ये आर्टरी बहुत सारी फाइन ब्रांच में डिवाइड होगी, छोटी छोटी इस तरह से ब्रांच बन गई रीनल आर्टरी की, ठीक है। फिर इस जो हमारी किडनी होती है इसके अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, किडनी के अंदर दो पार्ट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेन होते हैं। जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे कोर्टेक्स, और ये अंदर वाला जो पार्ट होते हैं इनको बोलते हैं मेडुला, ठीक है। तो ये मेडुलरी पिरामिड बने हुए हैं, इन पिरामिड्स को क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड, इन्हें बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। अब आपको, आपने ध्यान से देखना इनको, ये फाइन ब्रांच थी, ये फाइन ब्रांच थी, ये फाइन ब्रांच यहाँ आ गई, 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 ये फाइन ब्रांच यहाँ आ गई। एक बार इस यहाँ इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके देखेंगे कि भाई ये एक फाइन ब्रांच थी,
और ये यहाँ आ गई, ये फाइन ब्रांच यहाँ आकर के रुक गई। यहाँ पे इस पार्ट्स के अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ इस पार्ट के अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन स्ट्रक्चर को नेफ्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रोन। एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रोन्स होते हैं और यही नेफ्रोन जो है यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो एक नेफ्रोन का डायग्राम देखते हैं हम यहां पे। किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रोन्स होते हैं, ये नेफ्रोन का डायग्राम है। नेफ्रोन के दो पार्ट्स होते हैं, यहां बात करेंगे। एक पार्ट को तो बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल, जो कि ट्यूब जैसा होता है, और एक पार्ट होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये मैंने जो बनाया डायग्राम, ये रीनल ट्यूब्यूल है। इस रीनल ट्यूब्यूल्स के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे एक पार्ट है बाउमेंस कैप्सूल, ये एक ट्यूब है जिसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, या शॉर्ट फॉर्म में इसको पीसीटी बोलते हैं। ये एक दूसरी ट्यूब है जिसको डीसीटी, डीसीटी का मीनिंग है यहाँ पे डिस्टिल्ड कॉन्वोलेटेड ट्यूब। ये जो पार्ट है इन्हें बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, और जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। अब बेशक इसको मत याद कीजिए, आप याद कीजिए कि इस सभी पार्ट, इन सभी पार्ट्स को हम बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? रीनल ट्यूब्यूल, कि भाई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है? अब आपको यहां पर ध्यान से देखना है, ठीक है, कि भाई ये जो डायग्राम है इसको आपने ध्यान से देखना है कि यहां से एक फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी आई और ये फाइन ब्रांच यहां आई नेफ्रोन के पास। ये फाइन ब्रांच, ये एक रीनल आर्टरी थी, रीनल आर्टरी की फाइन ब्रांच। फाइन ब्रांच का मतलब एक छोटा सा पार्ट, कि भाई ये एक बड़ी कैपिलरी, इसमें छोटी छोटी कैपिलरी निकली और ये छोटी छोटी कैपिलरी जो हैं यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रोन हैं, यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रोन हैं उनके पास गई। ठीक है, ये नेफ्रोन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे ये एक मेडुलरी पिरामिड है, ठीक है, तो ये नेफ्रोन कुछ इस तरह से होता है कि आधा तो कोर्टेक्स पार्ट में होता है, आधा तो ये रहेगा कोर्टेक्स पार्ट में और हाफ रहेगा मेडुला के अंदर, और मेडुला के अंदर से ये एक फाइन ब्रांच आई और फाइन ब्रांच आकर के यहाँ रुक गई, और यहाँ रुक के इस फाइन ब्रांच ने बना लिया नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। क्या बना लिया? नेटवर्क, कैपिलरी का नेटवर्क बना लिया। ठीक है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, कौन सी कैपिलरी? रीनल आर्टरी का नेटवर्क बना लिया, यहाँ पे गुच्छा बना लिया भाई। ठीक है, तो इस नेटवर्क को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्वेश्चन समझ में आया? ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, नेटवर्क ऑफ रीनल आर्टरी जो है उनको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस तक समझूंगा कि आपको आ गया समझ में। ये डायग्राम है नेफ्रोन का, ये डायग्राम है किडनी का। ठीक है, किडनी के पार्ट समझ में आ गया आपको कि एक पार्ट कोर्टेक्स होता है, एक पार्ट मेडुला होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि एक्सक्रीशन कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन क्या रहेगा। ठीक है, कि भाई मैकेनिज्म ऑफ किडनी फिल्ट्रेशन क्या रहेगा, कि भाई किडनी कैसे फिल्टर करेगी, भाई किस प्रकार से ये जो नेफ्रोन, जो मैंने ये नेफ्रोन का डायग्राम बनाया है और मैंने बोला है कि नेफ्रोन जो है एक्सक्रीटरी यूनिट है, भाई फिल्ट्रेशन की यूनिट है।
एक किडनी के अंदर वो किस प्रकार से काम करेगी, उस मैकेनिज्म को हमने पढ़ना है। अब मान लीजिए कि भाई ब्लड जो है वो फिल्टर हो गया, ब्लड फिल्टर होकर के कहाँ जाएगा, रीनल वेन में जाएगा, और जो भी इम्प्योरिटी बचेंगी, इम्प्योरिटी लाइक यूरिया और इसके अंदर जो है वाटर, वो कहाँ आएगा, वो आएगा यूरेटर के अंदर, कहाँ जाएगा यूरेटर के अंदर। तो वुमेन के अंदर पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेटर है, और यूरेटर से ये यूरिन स्टोर रहेगा यूरेनरी ब्लैडर के अंदर, कहाँ स्टोर रहेगा यूरेनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है, और यूरेनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में ये ओपन हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ किडनी फिल्ट्रेशन, कि किडनी ब्लड को कैसे फिल्टर करती है, किडनी की डेफिनेशन ही क्या है कि किडनी ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, उसमें से इम्प्योरिटी निकालती है। अब हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म फॉर किडनी फिल्ट्रेशन। किडनी फिल्ट्रेशन जो है वो थ्री प्रोसेसेस के अंदर होता है। पहली प्रोसेस है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सेकंड जो प्रोसेस है वो रहेगी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या हम इसको कह सकते हैं, ये इसी में जोड़ देंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड प्रोसेस है रीएब्जॉर्प्शन, और फोर्थ प्रोसेस है सिक्रीशन। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, पहली प्रोसेस को लेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, को क्या लेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में एक चीज पढ़ेंगे GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को पढ़ेंगे हम। ये होता है कि हम हमारी ह्यूमन जो किडनी है वो डे के अंदर कितना ब्लड फिल्टर करती है, ये अप्रोक्सीमेटली होता है 180 लीटर पर डे। एक दिन के अंदर 180 लीटर ब्लड जो है हमारी किडनी फिल्टर करती है, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, कि भाई जो ये रीनल आर्टरी की जो फाइन ब्रांच यहां आकर के इसने एक नेटवर्क क्रिएट किया था, ये वही रीनल आर्टरी है, क्या ये रीनल आर्टरी, यहां पे जो नेटवर्क क्रिएट किया था, इस नेटवर्क की वजह से, यहां पे जो इस फाइन ब्रांच ने ये नेटवर्क क्रिएट किया था, तो इस नेटवर्क के कारण यहां पर एक प्रेशर क्रिएट हुआ, क्या क्रिएट हुआ प्रेशर, और उस प्रेशर क्रिएट होने के कारण ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा थी, क्या थी प्लाज्मा, क्योंकि देखो WBC RBC जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो फिल्टर नहीं होते, क्या फिल्टर होता प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर क्या चीज बताई थी, वाटर होते हैं और क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, और इन क्लोटिंग फैक्टर का नाम भी बताया था मैंने, इन क्लोटिंग फैक्टर जैसे क्लोरीन, हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, ये क्या है क्लोटिंग फैक्टर है, ये इसके अंदर आते हैं, क्योंकि ये क्लोटिंग फैक्टर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, और यही इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारी पीएच को बैलेंस या इम्बैलेंस करते हैं। जैसे हमारे ब्लड की पीएच है, आपसे पूछ ले कि ब्लड की पीएच क्या होती है, ये ब्लड की पीएच होती है 7.4 होती है ब्लड की पीएच, इसको मेंटेन करके रखना है। मेंटेन कब होगी, जब भाई अगर ब्लड एसिडिक होता दिखे, अगर ब्लड बेसिक होता दिखे, तो उसको बैलेंस करना, उसको बैलेंस करना ये क्या है किडनी फिल्ट्रेशन, उसको बैलेंस करना ये क्या है किडनी फिल्ट्रेशन है। तो ये कहीं ना कहीं इस ब्लड की पीएच को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करते हैं, तो इन्हीं को ही रिमूव करना, इन्हीं को बैलेंस में रखना ये क्या है फिल्ट्रेशन है, इसी को बैलेंस करना है क्या ओस्मोटिक बैलेंस है। तो पहली जो प्रोसेस है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में आप क्या लिखोगे
प्रेशर इंक्रीज इन रीनल आर्टरी कोज रिलीज ऑफ प्लाज्मा इनटू रीनल ट्यूबल कि प्लाज्मा में प्लाज्मा जो है रीनल ट्यूबल में चला जाएगा और ये रीनल ट्यूबल से यहाँ 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 लास्ट तक जाता रहेगा। यहाँ तक समझ में आया आपको? तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कितना होता है? 180 लीटर पर डे होता है हमारा। फिर सेकंड बात है रीएब्जॉर्प्शन। सेकंड बात है रीएब्जॉर्प्शन। देखो हमारा जो दिन भर का जो एक्सक्रीशन होता है वो लगभग लगभग 1.8 लीटर पर डे होता है। इसका मतलब 1.8 लीटर 180 का कितना हुआ? सिर्फ 1%। सिर्फ कितना हुआ? 1%। इसका मतलब जो 99% है भाई, यहाँ पे मान लीजिए 180 लीटर ब्लड आया, लेकिन ये यहाँ तक कोलेक्टिंग डक्ट तक जाता जाता कितना रह जाएगा? 1.8 लीटर रह जाता है। तो जो 99% है, इस बीच जो 99% है वो क्या हो जाएगा? वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। वो रीअब्सॉर्ब कैसे होगा? जो ये रीनल आर्टरी थी, ये रीनल आर्टरी यहाँ से निकल करके, ये रीनल आर्टरी यहाँ से निकल करके इसके चारों तरफ फैल जाएगी। इस तरह से ये आर्टरी निकल करके इसके चारों तरफ फैल जाएगी, एक नेटवर्क क्रिएट कर लेगी। और ये आर्टरी अब जो यहाँ पर 180 लीटर प्लाज्मा जो आई है, ये वापिस यहाँ पे क्या कर लेगी? रीअब्सॉर्ब कर लेगी। कौन? रीअब्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा? 99% ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज रीअब्सॉर्ब्ड बाई रीनल आर्टरी। 99 वापस क्या हो जाएगा? रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। सिर्फ 1.8 लीटर बचेगा जो कलेक्टिंग डक्ट में चलाया जाएगा, और कलेक्टिंग डक्ट से जो मैंने बताया था यूरेटर, दो पाइप बनाए थे यूरेटर, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आ जाएगा और यूरेथ्रा से रिलीज हो जाएगा। अब इसमें लास्ट पार्ट है सिक्रीशन। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट जो चीज़ है, ये हमारी पीएच को इम्बेलेंस करने का काम करती है। भाई पीएच कई बार इंक्रीज हो जाती है, कई बार डिक्रीज हो जाती है। अब मान लीजिए जो यूरिन है, यूरिन जो है, इस यूरिन की भी एक पीएच होती है, ये होती है 6 से 6.4 के बीच में, एसिडिक होती है। तो इस यूरिन की कंसंट्रेशन, इस यूरिन की जो कंसंट्रेशन है, इसको मेंटेन करने के लिए कुछ आयन जैसे हाइड्रोजन हो गए, सोडियम हो गए, क्लोरीन हो गए, ये आयन को वापिस सिक्रेट कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि भाई अब इस रीनल ट्यूबल से चीज़ें कहाँ आई है? ब्लड कैपिलरी में आई है। कहाँ आई है? ब्लड कैपिलरी में आई है। रीनल ट्यूबल से चीज़ें ब्लड कैपिलरी में आई है रीअब्सॉर्प्शन के दौरान। अब मैं बोल दूँ कि ब्लड कैपिलरी से चीज़ें कहाँ चली जाएँ? रीनल ट्यूबल में चली जाएँ, तो उसको बोलते हैं, उसको बोलेंगे सिक्रीशन। क्या बोलेंगे? सिक्रीशन। सिक्रीशन की डेफिनेशन मैं यहां लिख देता हूं कि भाई सिक्रीशन क्या है। टू मेंटेन यूरिन कंसंट्रेशन सम आयंस आर secreted back to the blood capillary या to the renal tubule or urine, क्योंकि osmotic balance बनाए रखना है हर एक चीज़ के लिए। तो ये थी हमारी प्रोसेस, मैकेनिज्म ऑफ किडनी फिल्ट्रेशन के अंदर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। वो सभी इस नेफ्रॉन के अंदर होगी, नेफ्रॉन मिलियंस में होते हैं हमारे अंदर, और ये किडनी की एक्सक्रीटरी यूनिट्स होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम आपने अच्छे से बनाना है, एनसीईआरटी की जो बुक में जो डायग्राम है उसको हमने बनाना है प्रॉपर तरीके से।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे।